कितनी मात्रा पकड़ी गई, क्या लागत है और कितने अपराधी पकड़े गए, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। नगर निकाय के चुनाव को संभावना को देखते हुए ये सूचना आ रही थी कि अवैध रूप से हरियाणा की शराब यहाँ आसपास के जनपदों और दूसरे स्टेट्स में सप्लाई की जा रही है। इसमें प्रभारी निरीक्षक देवगांव गजानन चौबे और फूलपुर इंस्पेक्टर अनिल और पहला चौकी इंचार्ज इन लोग को काफ़ी दिनों से लगाया गया था। तो इसमें जानकारी मिली कि घनश्याम यादव श्याम नारायण के मुर्गी फार्म पे अवैध रूप से शराब रखी जा रही है। मुर्गी फार्म जो है सिर्फ कहने के लिए है, वहाँ पे शराब को ला करके डंप किया जा रहा है और ये लोग शराब मंगा करके वहाँ पे यूरिया और नौसागर मिला करके काफ़ी मात्रा में शराब बनाते हैं और ये काम 6-7 वर्षों से इनके द्वारा किया जा रहा है। अब इसका अंदाज़ा आप इसी से ले सकते हैं कि घनश्याम जो सुनील का भाई है, ये हरियाणा से शराब मंगाता और इनका मकान करीब 1.5 करोड़ के ऊपर का बन चुका है। कमाने का कोई साधन नहीं, फिर भी इतना लंबा इन्होंने मकान अपना बनवा लिया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, सुनील की और श्याम नारायण की, और 219 पेटी शराब पकड़ी गई है जिसमें 10,512 बोतलें हैं अंग्रेजी शराब की और बाकी इसे ये बनाते 10-12 लाख रुपया करीब कीमत इनकी मौजूदा है। अभी इनको मिक्स करके जो बनाएंगे वो 20-25 लाख के ऊपर का बना लेते हैं। तो इससे कई घटनाएं भी घटी पूर्व में हुई हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए कि अवैध रूप से कोई शराब न आए और या जहरीला शराब कोई ना सप्लाई कर दे, एक अच्छा कार्य देवगांव पुलिस द्वारा किया गया है। अभी इसमें 6 लोग वांछित किए गए हैं, इसके अन्य मेंबर जो है दूसरे जनपद के भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होनी है। और इन मेंबरों में भीम यादव पुत्र सुभाष यादव मेहनाजपुर का है, बहादुर यादव जहुआ चंदवक जौनपुर जनपद का रहने वाला है, बेचू यादव सौरू लालपुर मेहनाजपुर आजमगढ़ का रहने वाला है, राहुल यादव किराकत जनपद जौनपुर का रहने वाला है। इन सबकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, इन सबके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और 14A के तहत इन्होंने जो भी अवैध संपत्ति तैयार बनाई है उनको जब्त किया जाएगा।